नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो आज के लाइव में, आज देखो लाइव हम कर रहे हैं हमारे विजय ग्राउंड से, सब परिवार के साथ ही जुड़ जाते हैं, उसके बाद लाइव की बात स्टार्ट करते हैं अपन। आज विजय ग्राउंड पे बैठ के लाइव करने के, चलो अक्सर यहीं से करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सुनील सर भी अपना बुलाना, फटाफट दूसरे आदमी बुलाना, किसी को मोबाइल लेके बाढ़ में लोग अपने परिवार के जुड़ गए हैं। तिलोकराम, सुमेरा, सुमेर कड़वासरा, सब रामदेव जी से, रामदेव जी नमस्कार भाई, नरेंद्र बांगड़, अनिल सैनी, अनिल खिलेरी, कुमार अक्षय, सुरेंद्र, अजय यादव, विजेंद्र, बिल्कुल परिवार के सब लोग जुड़ जाएं। आज दोस्तों अपने विजय ग्राउंड से अपने इस लाइव को कर रहे हैं, आप दिखाएं पीछे पूरा फ्लेक्स लगा हुआ, जो सिस्टम तरीके से लगा हुआ है, आ जाए। 200 लोग हमारे परिवार के जुड़ गए आपके लाइव आने से, हम तीन दिन तो मोटिवेट होते हैं। नहीं, मैं लाइव रोज आऊँगा चंदाबाद को, रोज आएंगे, लाइव आएंगे, बराबर मत आएंगे। 220 लोग जुड़ गए परिवार के, और जुड़ जाते हैं, शेयर कर दो सब लोग, जो साथी जुड़ गए वो शेयरिंग कर दो, जो साथी जुड़ गए वो शेयर कर दो, ताकि हमारी बात हमारे सारे अपनों को पहुँच जाए, हमारी सारी बात हमारे अपनों को पहुँच जाए, आप शेयर कर देते हैं। लोग हमारे परिवार के जुड़े हुए हैं, तो सब लोग बिल्कुल आप शेयरिंग कर दें, सब लोग शेयरिंग कर लें, ताकि बात हमारे अपनों तक पहुंच जाए। तो शेयरिंग अभी तेज ही हुई है भाई, गलत बात है ना, तो सर बाबा हॉस्टल भर गया क्या, प्राइवेट साफ करते साफ करता रोमान शेयर कर, ऐसे मजा नहीं आएगा ना बात का, आवाज़ आ रही क्या, एक बार सुने से सुन लो, आप आ ठीक चलता है, बिल्कुल सब लोग हमें शेयर करते हैं। 150 शेयर होने के बाद बात करेंगे, जब तक 150 शेयरिंग नहीं होगी तब तक बात नहीं करूँगा मैं। चलो फटाफट शेयर कर दो, वो लाइन है ना कि मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं हम, है ना डियर, हम बिल्कुल एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। हमारे सुनील सर कहें थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, अभी आवाज़ चिंता मत करो, अभी आपके बॉस की आवाज़ वैसे तो ज़्यादा बहुत बुलंद है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, देखा बरामद मेरा तो समझ आता है, एक बार फ्लोम आए हुए व्यवस्था, एक बार मेरी फ्लोम आ जाए सारी, एक पानी भी लेना, गर्म पानी बिल्कुल साफ। 315 लोग जुड़ गए परिवार के, और भाई शेयर नहीं हो रहे, मजा शेयर कम हो रही है भाई, देखो शेयरिंग कम हो रही है, 59 शेयरिंग हुई, बदमाशी है तो बदमाशी नहीं। कालू सिंह जी क्लिपिंग कर रहे हैं, डायग्लास पानी देना बैठा, ओके डियर, तो बात शुरू करने जा रहे हैं। आज 18 नवंबर है, पहले 16 नवंबर मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों से। दोस्तों पहले 16 नवंबर को राजस्थान सरकार का आदेश ये था कि क्लासेज बंद 16 नवंबर तक है, लेकिन आज हमारी राजस्थान सरकार का ये आदेश है कि अब 30 नवंबर तक क्लासेज ऑफ है, डाउट काउंटर की परमिशन है, इसलिए डाउट काउंटर हम कल सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, कल 19 नवंबर से डाउट काउंटर स्टार्ट हो रहे हैं। और बाकायदा मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, जो मेरे पिछले दिवाली के बाद 2-3 दिन में जो संपर्क मेरे गार्जियन से हुआ, मेरे अपनों से हुआ, एक तो ये ऑफलाइन क्लास के लिए बार बार क्या पूछ रहे, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या भाई, टीवी नहीं देखते हो क्या, 30 नवंबर तक राजस्थान में ऑफलाइन की कोई परमिशन नहीं है। अब डाउट काउंटर की परमिशन हो सकती है, 10-5 बच्चों के डाउट्स सोल्व किए जा सकते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लासेज का प्लेटफॉर्म अपना बेटा परफेक्ट चल रहा है अपना ऑनलाइन का, आपको बता दें मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई, 20 नवंबर को CLC के फर्स्ट फेज का 12th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है भाई, 16 अप्रैल को हमारा पहला फेज स्टार्ट हुआ था, 12th बायो इंग्लिश मीडियम का, 12th मैथ इंग्लिश मीडियम का, वो उस बैच हमारा 22 नवंबर को संडे को आखिरी टेस्ट है भैया, उनका सिलेबस पूरा हो रहा है। ऑनलाइन की मानसिकता में आ जाएं दोस्तों, हाँ ये जरूर कहता हूँ कि आप सीकर मूव कर लें, इस बार मेरा स्पष्ट निवेदन आप चालू ओवर जयपुर जोधपुर किसी ब्रांच के बच्चे हो, स्पष्ट कहता हूँ सीकर मूव कर लो भाई, यदि आपके घर में पढ़ाई का वातावरण है तो घर पे रहो, सब स्पष्ट है देखो, पर घर पे पढ़ाई का वातावरण नहीं है, पर वातावरण क्या करेगा, डाउट किसको पूछोगे, यहाँ मान लो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ किस बच्चे रह रहे हैं,
तो बच्चे आपस में अपने डिस्कस करते कर लेते डाउट पे। उसके अलावा हमारे डाउट काउंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो आप डाउट काउंटर पे आ सकते हो, हॉस्टल में खुद आप डिस्कस कर सकते हो दोस्तों। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सीकर के रूमों करें, बाकी बातें कितनी कर लो चाहिए, ज्ञान तो कोई अब कोरोना है इसको नकार नहीं सकते, लेकिन भाई काम सारे हो रहे ना, चुनाव हुए हैं, चुनाव की रैलियाँ हुई हैं, बाजार भरे हुए हैं, दीपावली के पहले आप मार्केट गए, धनतेरस के दिन तो मेरे सीकर के भाई जी वो काम कहते हैं जगह नहीं रखने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों का मामला सेंसिटिव रहता है, एक ज़्यादा गैदरिंग होने से सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो वो निश्चित रूप से एक परमिशन नहीं है तो नहीं है, तो किसी के पास नहीं है। बाकी दोस्तों एडमिशन चल रहे हैं, कल 19 नवंबर से टारगेट के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 11th के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल के बैच चल रहे हैं पहले से, एक लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा हमारा प्री फाउंडेशन का, 6, 7, 8, 9, 10 का प्री फाउंडेशन का भी हमारा कल आखिरी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा भैया NTSC एग्जाम टाइम पे हो रही है, KVPI टाइम पे हो रही है, बोर्ड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, बोर्ड के फॉर्म भरने के भैया 20 नवंबर आखिरी डेट है, सॉरी सुनना 20 नवंबर, 20 नवंबर के बाद बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं रहेगी, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 10th और 12th के राजस्थान बोर्ड के फॉर्म के लिए भैया, उसके बाद दोस्तों संस्था जिम्मेदार नहीं रहेगी भाई, ये देखना आप लोगों के हिसाब से। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भैया अब सीकर आ जाओ, आसपास रूम ले लो, प्राइवेट हॉस्टल खुल गए, बाकी सारे हॉस्टल खुल गए, आप यहाँ रहो, अपने आप को भैया सेफ रखो, घर में तो रख रहे ना भाई, अब तो सब जगह सारे काम शुरू हो गए, घर में भी लोग रह रहे हैं, तो आप आराम से सुरक्षित रहो, एक रूम में 2 बच्चे रहो या 1 बच्चा रहो, और अपनी पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि वातावरण के बिना पढ़ाई नहीं होती। 8 महीने हो गए, आज 16 अक्टूबर है, 16 नवंबर आज अक्टूबर है ना, नवंबर 18 नवंबर हो गया आज, और 20 मार्च को बंद हुआ था, आज दोस्तों पूरे 8 महीने हो गए हैं। तो ये कुछ बातें थी, उसके अलावा मैं एक ही बात करना चाहता हूँ दीयर, कि जो भी बच्चे घर पे हैं वो अपनी पढ़ाई करें बेटा, कोई सुबह टाइम पे उठे, सुबह 8 से लेके 1 बजे तक आप अपने ऑनलाइन क्लासेस देखें, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर अपने सेल्फ स्टडी करें, 6:30 बजे लाइव अपना लाइव आता लाइव को देखें, फिर आप डिनर करें, रेस्ट करें, और रात को 8 बजे से लेके 1 बजे तक बेटा पढ़ाई करें। और पढ़ाई में भी एक विशेष बात मैं करना चाहता हूँ, बार बार गार्जियंस के फ़ोन आ रहे हैं, श्रवण जी थोड़ी सी बच्चे को दिक्कत आ रही न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में, देखो भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे दोस्तों, उनका दुनिया में कोई समाधान नहीं। मेरा डायलॉग है कि पानी में तैरना तब तक नहीं आएगा जब तक पानी में नहीं उतरोगे, साइकिल दोस्तों चलाना तब तक नहीं आएगी जब तक साइकिल पे एक बार उल्टी पुल्टी नहीं खाओगे। करीब करीब हर व्यक्ति याद करो जो साइकिल सीखी थी ना, 1-2 बार तो इन्हें खरोंच आई थी, गिरे ही थे भाई, कहने का मतलब ये सारी चीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। इसलिए फिजिक्स भी दोस्तों डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, यदि आप फिजिक्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोस्तों फिजिक्स आपको, मैं बिल्कुल ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, फिजिक्स कभी नहीं आएगी, यानी फिजिक्स मज़ा नहीं आएगा आपको। और गुरु नीति की जो वीडियो है संस्था की, वो तो अल्टीमेट है, आपको बता दूँ मैं, कल 19 तारीख को नीट गुरु नीति JEE भी अपलोड हो रहा है, गुरु नीति JEE का वीडियो भी अपलोड हो रहा दोस्तों कल, गुरुनीति गुरु देखो उसमें क्या हमने काम नाम दिया, इसका नाम दिया हमने नीट, नीति में नीट का लिया आई आया गुरु लगा दिया, फिर JEE के आगे JEE लगा दिया, मेडिकल के 24 वीडियो पर अपलोड थे से पहले, 2 आज अपलोड होंगे फिजिक्स जूलॉजी के, आप गुरुनीति भी देखें, IIT वाले गुरुनीति JEE देखें, आप 11वीं के हैं 12वीं के हैं 13वीं से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मतलब फिजिक्स का पहला टॉपिक वेक्टर का है, तो 11वीं के बच्चों को भी देखना है, वो 12वीं के बच्चों को भी देखना है, वो 12वीं के बच्चों को देखना है, कल आपका JEE का पहला वीडियो हमारे फिजिक्स के प्रमोद ढाका सर का आ रहा है दोस्तों, तो आपको वीडियो देखने चाहिए। और दोस्तों आपको सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट के साथ आपको मेहनत करनी होगी, इस बुरे दौर को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि समय दोस्तों आगे भी 2-3 महीने से ऐसा रहना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कल ठीक हो जाए, पर जो सिम्टम लग रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि 1-2 महीने इस तरह रहना है, तो हमें इसी परिस्थिति में अपने आप के साथ जीना है, इसी परिस्थिति में। और बाकी आप यदि केवल कोई घर बैठ तैयारी कर रहे हो तो आप CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप CLC टेस्ट सीरीज आप जानते हो बहुत शानदार सा एक प्रोग्राम रहता है। दूसरा मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, कई बार कॉल करते हैं, अब ये इतना ओवरलोड मामला हो गया कि उनके जवाब अब देना हमारे दोस्तों मेरे खुद के मोबाइल पे मेरे असंभव हो गया भाई, मैं अब मेरे नंबर पे कोई व्हाट्सअप नहीं करे प्लीज़, मैं शायद अब जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि दिन में 1000 व्हाट्सअप आते हैं, पढ़ नहीं पाते उन लोगों को। इसलिए अब आप जो प्रॉब्लम अपनी है भैया, सीधी सी बात है कि आप आएँ मिलें और बात, यहाँ ऑफलाइन शुरू हो चुका ऑफिस का काम, हम कोशिश करते हैं जवाब दिए जाए उन समस्याओं के। लेकिन अब कई बच्चे क्या छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं,
और बोर्ड का फॉर्म कब आ जाएगा, सीख रहे हैं कि नहीं आए, ऑफलाइन खुला कि नहीं खुला। तो वो ऐसे कि बेतुकी से व्हाट्सअप होते हैं जिनके चक्कर में दोस्तों फिर ढंग के व्हाट्सअप पेपर और मिस हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको सबको रीड करें, तो प्लीज़ आप अनवांटेड व्हाट्सअप नहीं करें, मुझे नहीं आपके नंबर ब्लॉक करने पड़ेंगे। इसी बात सुनला भैया, मैं आप भी क्लास कब चालू होंगी बताओ, मैं क्या जवाब दूँ इसका भाई, मुझे बताओ मैं क्या जवाब दूँ इसका। जब अखबार में छपा है मोटा सा कि 30 नवंबर तक क्लासें बंद हैं, तो ये बात मुझसे पूछ के तो अपना टाइम वेस्ट किस लिए कर रहा है यार। हाँ, तेरे को कोई फेज चेंज करना हो तो व्हाट्सअप करो, अपना नाम, रोल नंबर, पासवर्ड, कौन से फेज में हो और कौन से में जाना है अभी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई आपकी क्लास बंद होगी, माफ़ी चाहता हूँ, फीस का इश्यू है तो आप उसकी फीस की फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, क्लास चालू हो जाएगी, सिंपल सी बात है यार। बोर्ड का फॉर्म भरना ही है, कई पूछते हैं बड़े आदमी, सब खुद आना पड़ेगा क्या? अरे यार क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, बोर्ड का फॉर्म तो खुद जाके भरना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। बात थोड़ा वो पूछो जो जिसका जवाब मैं दे सकूं और मैं मेरे लाइक पर्सन हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, उनके जवाब आप खुद के पास है ना, मेरी बात समझ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। पढ़ाई की बात है तो भैया ऑफलाइन डाउट काउंटर स्टार्ट हो गया, आ जाए ऑनलाइन डाउट काउंटर जवाब दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन डाउट काउंटर भी जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन जो खुल गया उसके सीकर खुला था, ब्रांचेज भी नहीं खुल रहे हम लोग, अलवर, जयपुर, जोधपुर कहीं स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले सुन लो साहब, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं साहब, कि वहाँ इतनी व्यवस्था संसाधन नहीं है, सीकर में व्यवस्थाएं हैं, खुला स्पेस है। आप देखो दिखाओ एक बार, ये सीकर में विजय ग्राउंड हमारा, आप दिखाओ पूरा उठा के, मैं साथ ये दिखाओ, यहाँ कंप्लीट दोस्तों हमारे पास एक व्यवस्था है, खड़े बोलो तभी आवाज आते रहे, ये पूरी व्यवस्था देखो हमारे पास, ग्राउंड दिखाओ हमारा, मेरे को मोबाइल एक मिनट, आप ये देखो दोस्तों यहाँ पूरा विजय ग्राउंड है, देखो ये यहाँ ये पूरी दुनिया है, ये देखो सीएलसी की पूरी दुनिया है, एक कंप्लीट दुनिया है यहाँ पर देखो। अब इतना इतना प्रॉपर स्पेस हम लोग दोस्तों ब्रांच पे नहीं ला सकते ना, तो ब्रांच पे तो भैया सरकार जब परमिशन देगी ना ऑफलाइन की, उसके बाद भी जो दो वीक तक प्रॉपर क्लासेज चल जाएंगी उसके बाद वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, ये बात रखना चीज़ का। इसलिए मेरा तो सभी से निवेदन है, गार्जियन से सबसे भैया, कि बच्चे को घर में ध्यान रखो, और आप नहीं केयर कर पा रहे हो तो बच्चे को मेरे पास ही कर छोड़ दो, ठीक है जी। ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, बाकी 6:30 लाइव आपको डेली आते ही हैं, डेली अपनी बात करनी है, डेली अपनी बात अपन करते हैं, बाकी पढ़ाई आपको करनी है। जो हमारा रिपीटर बच्चा है जो किसी कारण सेलेक्ट नहीं हो पाया, आ जाए बेटा, बच्चे आ रहे हैं, आओ ना, बैठा हूँ ना मैं, आ जाओ, जैसा आपका मन कहा ना, आपका जैसा आपका परफॉर्मेंस है, जैसा आपका स्वभाव है, जैसे आपकी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग डियर आपका सहयोग किया जाएगा, सहयोग कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कर रहे हैं। बात भी चाहता हूँ, यदि सीएलसी सहयोग नहीं कर रही है ना, तो फिर दूसरी कोचिंग की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो सहयोग करता इस लेवल पे आके, इतना अच्छा रिजल्ट देख के, इतनी क्वालिटी देख के। और हम कोई एहसान भी नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी का दिया आदेश है, तो सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने अपना, उस थीम पे काम कर लोग, हम लोग उस थीम पे काम भी कर रहे हैं और बने भी हैं। एक दोस्तों 22 नवंबर को अपना आखिरी विजय उत्सव है, तो जो भी स्टूडेंट 2020 में जिसको NIT मिला है या IT मिला है या जिसको मेडिकल की मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, हम तो उसको इन्फॉर्म करेंगे करेंगे। यदि आपके पास किसी भी कारणवश इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाए और आप पहले 4 विजय उत्सव में नहीं आए हैं, तो 5वां विजय उत्सव जो है 22 नवंबर को सभी साधना मंत्रित है इसमें। फिर सुन लो, 4 विजय उत्सव जो हो चुके हैं, यदि आप उनमें नहीं भी आए, एब्सेंट रहे हैं, तो 22 नवंबर को सहपरिवार ठीक 12 बजे दोपहर में आपको दोस्तों CLC आना सीखा, आपका विजय उत्सव होगा वहाँ पर। सुनील सर, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए दोस्तों बहुत फ्रूटफुल हैं, बहुत यूजफुल हैं। डाउट काउंटर का टाइम सुबह 9 बजे, शाम 4 बजे। डाउट काउंटर सुबह 9 बजे आना है, शाम 4 बजे आना है, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर आपका साथ लेके आना अपना, ठीक है ना, सैनिटाइजर की बोतल साथ लेके आनी है, मास्क लगा के आना बेटा। ये सुरक्षा है, ये कोई कानून नहीं है, इसमें सरकार तो हमारी सेफ्टी कर रही है ना। हमें देखो काम भी करना, देखो प्रैक्टिकल बात है, काम भी करना भैया, पढ़ाई भी करनी है, सुरक्षा भी रखनी है, सुरक्षित भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है, तभी जाके आगे बढ़ेंगे ना। ये तो 8 महीने से घर थोड़े बैठे देंगे बुढ़ाद में, सब काम तो हो ही रहे, सारे काम कैसे नहीं हो रहे, सारे काम हो रहे हैं भैया, बैंक खुले हुए हैं, मार्केट खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, क्लासेज की परमिशन नहीं है, फिर भी दोस्तों डाउट काउंटर की सरकार ने दिए, धन्यवाद दूँ सरकार का, सरकार ने कहा भी डाउट बच्चों को आप डिस्कस कर सकते हैं। और ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म दोस्तों इतना बढ़िया बन चुका है कि मैं तो मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन का मामला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार सी क्लासेज लगती हैं, 6 दिन आप जानते हो सील्स की वीडियो उपलब्ध रहते हैं, आप उनको ढंग से देखें, यदि पॉजिटिव मानसिकता से आप हैं ना तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब मानसिकता तो पॉजिटिव नहीं तो ऑफलाइन भी क्या हो जाता है, मुझे ये बताओ, जो ऑफलाइन चलता है तो तब सारे पढ़ते हैं यार। भैया हम तो कई बार जब सील्स अटेंडेंस लेते थे, अब आप इसको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेज दिलाएं, और अभी भी आप मोबाइल में क्लास देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं भैया। CLC का अपना CLCLive.app है यार भाई, आप लैपटॉप खरीद लें, मैं बार बार कह रहा हूँ लैपटॉप खरीद लें, क्योंकि गुरुनीति
का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको हम दे रहे हैं जो 180 वीडियो भी कोई ढंग से तीन बार देख लेगा ना, मेरी गारंटी का मेरा दावा है वो नीट को ठोक के आ जाएगा। गुरु नीति की वीडियो तो देखने पड़ेंगे आपको लैपटॉप पे, मोबाइल के मैं कहते पक्ष में नहीं वीडियो, आप लैपटॉप लाए ना अपना। और सीएलसी का प्लस पॉइंट है ये तो है नहीं कि ऐप अपने को ऐप बना रखी है जो चलती मोबाइल में ही है, 6 दिन आपकी क्लासेज रहती हैं। ये कुछ बातें हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बाकी दोस्तों घबराएं नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, हर समय निकल जाता है, निकल गया दोस्तों 8 महीने निकल गए, अगला महीना दो और निकल जाएगा। नीट और जेई के एग्ज़ाम जून जुलाई में सरकार कराएंगी कराएगी, बोर्ड के एग्ज़ाम हो ही रही हैं, बोर्ड के फॉर्म दोस्तों आप जानते हो भरे गए। तो आप सब लोगों से मेरी निवेदन है, मेरी अपील है कि आप अपनी पढ़ाई करें। और एक और कहना चाहता हूँ कि जिस भी मेरे बेटे बेटी को 2020 में अच्छा कॉलेज नहीं मिला हो, चाहे आईटी का हो चाहे एनआईटी का हो या मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ हो, किनारे पे आके रहा हो, उसको दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वापस लग जाना चाहिए, आ जाओ अपनी सीरीज और टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप घर पे सर्च लिखना चाहते हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का रियल फ़ायदा लेना है तो आप सीएलसी से मंदिर के आसपास आ जाओ, सीएलसी की तपोभूमि के आसपास आ जाओ, तपोभूमि के आसपास आ जाओ। सीएलसी एक अलग सी सुकून देती है दोस्तों जगह, यहाँ एक बहुत ही असेंबली की जो हमारी पिछले 7-8 साल से असेंबली की जो एनर्जी डेवलप हुई है, जो ऊर्जा बनी है ना, उस ऊर्जा की देन है कि यहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव होता सके। ताकि हम तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और सफल रहें। ये कुछ बातें मुझे आपसे लाइव में करनी थी, 6:30 रोज लाइव आना ही है। इसके अलावा कोई बात आई हो डाका जी, लो हमारे आजकल मनोज डाका जी नोट कर लेते हैं सामने, जो आपके प्रश्न हैं तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। और बताओ और सब ठीक हो, कैसे हो, याद आ रही सेल से? मुझे मेरे बहुत से गार्जियन कहते हैं, आज मेरे को एक बहुत अच्छा लगा, आज एक बेटी आई सुनील, उसने कहा एडमिशन हुआ उसमें आई कि सर आपकी गुरुनीति का वीडियो देख के मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो बेटा धन्यवाद, आपको हमारा काम पसंद है। थोड़ा इस पर साफ लिख, अजय क्या लिखा तो ढंग से लिखना है, बोस क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, बोस ईयर लॉन्ग वाले स्टूडेंट बाद में ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल ऑफलाइन के बाद होंगे सर। रेखा बंसल, बोस KVM स्कूल के बारे में बताओ। हाँ KVM स्कूल के भी डाउट काउंट स्टार्ट हो गए बेटा, डाउट काउंटर KVM स्कूल के स्टार्ट हो गए हैं, हॉस्टल भी स्टार्ट हो गए हैं, आसपास बिल्कुल बच्चे रहना स्टार्ट हो गए, आ सकते हैं आप भी। संपर्क कहता वो मॉड्यूल सॉल्यूशन के वीडियो, मॉड्यूल सॉल्यूशन के वीडियो काम चल रहा है बेटा, वो एक संस्था का वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो बिल्कुल आपको जल्दी वो मिलेगा। उसके बाद रामकुमार कहते हैं बोस डाउट काउंटर का टाइम, डाउट काउंटर टाइम बता दिया मैंने आपको, सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे। बोस फेज का नया शेड्यूल अपलोड करें, पुराने में 15 नवंबर का कर दिया भैया, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट जुड़े हुए नहीं हो हर्ष बाबू, आप ये जो लिखा है ये आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको भेज दूंगा, आप ब्रॉडकास्ट जुड़े, जो भी इस लाइव को देख रहे हैं 2021 के बच्चे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो रोल नंबर मोबाइल नंबर 93588 2040 2430 इस नंबर पे अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपको ब्रॉडकास्ट देखना है जोड़ना मुझे भेज दो, और वहाँ उस नंबर को बोस के नाम पे सेव कर दो। VD जाट कहते हैं बोस KVM स्कूल वाले बच्चे भी हॉस्टल बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल स्कूल का बच्चा 9 से लेके डाउट काउंटर पे आ सकता है, सीकर बच्चे रहना अलग गए, और बहुत से गार्जियन आ गए अपने बच्चों को लेके। हाँ सीकर में करीब 15-20 फ्लैट तो मैंने खुद दिला दिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स आ गए, किसी की मम्मी साथ हैं, किसी की चाची साथ हैं, किसी के फादर साथ हैं, किसी दादा साथ हैं, इस तरह के तो लोग पढ़ाई तो करनी पड़ेगी साहब, बच्चों की पढ़ाई दोस्तों कब तक रुकेंगे हम लोग, तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, सुरक्षित भी रहेंगे आगे बढ़ेंगे सारे काम करेंगे, तो KVM हो या CLC हो पढ़ाई डाउट काउंटर स्टार्ट होंगे। ऑफलाइन क्लास तभी शुरू हो पाएगी जब सरकार का आदेश हमारे पास है, उसमें दोस्तों निश्चित बात है हमने सरकार के आदेश की पालना करना हमारी मूल ड्यूटी है, और हर चीज़ में सुरक्षा सहयोग करना हमारी व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है जब तक ख़त्म नहीं होता है, पचन साहब कहते हैं ना जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आप भी बेटा ध्यान रखें, जो घर में भी है उनसे निवेदन है भैया प्रॉपरली प्लीज़ अपना सेफ्टी रखें, है ना, नहीं तो ये देखो डरावना बहुत है दोस्तों, जिनके किसी घर में ये पंगा हुआ है उनको पूछो दोस्तों बहुत दिक्कत होगी लोगों को। तो ये लाइव में इस तरह रोज़ बैठ के बात, तो बार एक लास्ट का बात को समराइज कर दूं, डाउट काउंटर का टाइम सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे, मास्क पहन के आना है, सैनिटाइजर की बोतल साथ लेके आनी है, ठीक है डियर। हॉस्टल वगैरह ओपन हो चुके हैं प्राइवेट सब पूरे मोहल्ले में खूब, अब धीरे धीरे बचाना स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, डाउट काउंटर स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सही चल रही हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा किसी बच्चे को फेज चेंज करना हो
तो मेरा जो नंबर है 9928738888 उस पर अब मैं केवल उन्हीं बातों उन्हीं जवाब दूंगा व्हाट्सएप के भैया जो मुझे लगेगा कि इनका जवाब देना उचित है, अनवांटेड उस पर आप व्हाट्सएप नहीं करें। क्लास कब चलेगी कब को ये सारा आप लाइव देखेंगे, अब लाइव आ जाओ लाइव से बताता हूँ मैं। अब कई बच्चे कहते हैं वो हिंदी में कब स्टार्ट होगी, तो बेटा दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। तो पहले 19 नवंबर से हम ऑफलाइन मूड में थे, मूड का मतलब सरकार का आदेश था कि 16 नवंबर तक ऑफ है, तो 19 नवंबर शुरू थे। अब सरकार ने कहा 30 तक खुलना ही नहीं है, तो वो तो बात ही पूरी होगी ना। थोड़ा सा साइंस के लोग इस लाइव को मेरे साथ जुड़े लोग साइंस के होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, थोड़ा बहुत अपना खुद का दिमाग लगाए गए, हर चीज़ में कुछ जाती है। और यही लड़के डाउट काउंटर में दिक्कत देते हैं, छोटे छोटे बातें डाउट पूछ देते हैं। अरे जिंदगी में 90% प्रॉब्लम बेटा खुद मिटा सकते हो अपने, 10% प्रॉब्लम होते हैं जहाँ टीचर्स की पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जिंदगी में 90% समस्याएं खुद बिटाओगे तो आगे बढ़ोगे, 10% ही प्रॉब्लम होती हैं जिनको बिटाने के लिए हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो चाहे टीम हो चाहे फैकल्टी हो चाहे गार्जियन हो चाहे दोस्त हो। बात नहीं पड़ रही है, तो ये कुछ एक व्यवस्था है जिसकी पालना आपको करनी है दोस्तों, ठीक है ना। बोर्ड के फॉर्म लास्ट डेट दोस्तों 20 नवंबर है, आज 18 दिन आपके पास हो रहे हैं। इसके अलावा मैं तो एक ही बात कहता हूँ भैया, आप सीखकर आ जाओ, मेरे पास एक जवाब है, पढ़ाई करनी है। आपने पूरी साल ईयर लॉन्ग ऑनलाइन ज्वाइन किया है तो फिर तो बात ही करो, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्लास देखो मस्त लो, स्टडी मटेरियल आप लेकर जा चुके हैं। अब बाई पोस्ट कोई स्टडी मटेरियल नहीं भेजेंगे भैया लोग, तो आप आए स्टडी मटेरियल ले लें, और ईयर लॉन्ग जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं वो अपना क्लासेस दे रहे हैं, उनका जिस सिलेबस एंड हो जाएगा बात खत्म। जैसे पूरी वीडियो हो जाएंगे उसके बाद उनके जो भी टेस्ट चलते रहेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस पूरी साल भी ले सकते हैं, बहुत से बच्चे ज्वाइन भी कर रखी है। टेस्ट सीरीज आप पूरी साल ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों का समाधान ये कि व्यक्तिगत आप आके एक बार यहाँ मिली, क्योंकि सुनिए सर ये वो फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप कर दो, भाई हमारे बाजा जी पूरे व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन पूरे देश में पूरे उत्तरी भारत में नंबर चला गया तो हर चीज़ की लिमिट होती है ना, हर चीज़ सीमा होती है। और 2021 के अंदर तो मेरे बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा, आपके अन्य कोई फ्रेंड अब भी घर बैठे हैं 11th के या टारगेट के, 12th को बंद कर दिया बैच, उनको जोड़े सीएससी से। और मैं मेरे रिपीटर बच्चों से बार बार अपील कर रहा हूँ, अरे नालायक को आ जाओ फिर से एक बार, फिर उंगली पकड़ लो मेरी, आ जाओ देखते हैं फिर शुरू होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ज्योति नहीं आई थी क्या, निखिल अग्रवाल नहीं आया क्या, रवि नहीं आया था क्या, विक राजपूत नहीं आया था क्या, कर्ण भामू नहीं आया क्या, अभिषेक बुगालिया नहीं आया क्या, शिवपाल राठौड़ नहीं आया क्या, फिर बच्चे ठोके ना यार। इसलिए 6:30 बजे के लाइव को देख लो, आपके सारे डाउट्स का जवाब है मिल जाता, पूरा लाइव आप सुन लो। यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं इसके बाद हम लोग, पहले तो क्या हम कंप्यूटर में करते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों एक साथ लाइव हो जाता है, और अब क्या हम स्टेज बैठे मोबाइल से कर रहे हैं लाइव, तो दोस्तों थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। भाजिया जी जाना सुनो सर, इतनी सी बात है, बताओ और कोई बात है बताओ। IAPT ओलंपियाड का फॉर्म भर सकते हैं 8वीं से 12वीं तक। एक IAPT ओलंपियाड प्री फाउंडेशन के बच्चे कोई हो तो बेटा ये फॉर्म आयो में जो भर सकते हैं, 27 नवंबर। ये प्री फाउंडेशन बात कर रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों केवल, क्यों ये बाजिया जी बता रहे हैं 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो ये फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। ये और बताओ भाई कोई बात सुनिए सर। हाँ ढाका जी कोई बात है, जवाब आया कोई प्रश्न आया, ये बोलो आनंद है सर। बिल्कुल हॉस्टल मोबाइल की लैपटॉप की सिर्फ परमिशन है भैया, देना ही पड़ेगा भाई, काम चल इसी से रहा है। और कई बच्चे हंस रहे होंगे, वो एक बच्चे ने कहा था मेरा मोबाइल आपको मेरा आपको एक बार दो छीना था, वो वक्त अलग था भैया, वक्त समय को भरोसों को नहीं कर पलटी मार गया, समय चेंज हो गया, हम भी समय के साथ अपडेट हो गए, हम चेंज नहीं हुए, हम समय अपडेट हो गए। बोलो आया ना, तो मेरे गार्जियन से भी निवेदन है सबसे, आप सबको दोस्तों एक ही बात करना चाहता हूँ कि भाई व्यवस्थित तरीके से बच्चों की केयर करो, बच्चों की पढ़ाई कराओ, और आप नहीं करवा पा रहे मेरे पास भेजो। और ब्रांच वालों बच्चों एक निवेदन चाहता हूँ भैया, अभी भी आप मूव करके आ जाओ, दिवाली गई अब अगले 5-6 महीने पढ़ाई करनी है। कोरोना भाई आएगा तो तेरे घर गाँव भी आएगा, मेरे गाँव भी आएगा, मेरे शहर भी आएगा, आपके शहर में सावचेत रहना है, सुरक्षित रहना है, यहाँ भी रह सकते हो वहाँ भी रह सकते हो, घर तो भाई कोई गार्जियन बैठे नहीं है, सभी को जो घर में कोई कमाने वाला उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा ना भाई, आटा कहाँ से आएगा, जिंदगी बात है। सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब या घर पे तो कोई नहीं बैठ सकता, काम तो करने ही पड़ेंगे, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ऑफलाइन नहीं हो तो भैया ऑनलाइन पढ़ेंगे, और पढ़ रहे ऑनलाइन कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये कुछ व्यवस्थाएँ थी जिनकी बात मुझे आपसे करनी थी। अभी हमारे परमेश्वर शर्मा जी लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर जी क्या हाल चाल है भाई, परमेश्वर जी देख रहे हैं, साहिल चौधरी देख रहे हैं, दिनेश अग्रवाल देख रहे हैं, हमारी बीना देख रही है, इतेंद्र उपाध्याय जी देख रहे हैं, सब लोग हुए हैं जो लाइव देख रहे हैं, सबको जय श्री बालाजी, आनंद हो रहा है।
तो इस लाइव को जो भी अपने लोग देख रहे हैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि जो जैसे जो लोग जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं, आप समाज के व्यक्ति देख रहे हैं, तो भैया बच्चों को ऑनलाइन ज्वाइन कराओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को रजिस्टर में होना चाहिए। कल यार एक मेरे पास एक कल सुन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिया, एक बात तो शेयर करूँ। मेरा एक स्टूडेंट है हर्ष मुंडे, प्रत्येक स्टूडेंट है वो मानते मैं जुड़ा हुआ सीनसी से, वो लंदन रहते हैं। कल हर्ष से मेरी बात हुई, मेरा छोटा वाला बेटा है समर चौधरी, उसका भी वहाँ MBA के लिए एडमिशन हुआ है स्पेन में, तो मुझे उसके बारे में डिस्कस करना था, तो मेरी हर्ष से बात हुई। हर्ष का फ़ोन आया, मैंने कहा हर्ष बात, हर्ष ने बहुत प्यारी बात की। हर्ष ने कहा सर मैं आपके सारे लाइव देखता हूँ, मैं हर्ष की बात कोट कर रहा हूँ। हर्ष ने कहा सर मैं आपके सारे लाइव देखता हूँ, मैंने ज्योति कुमावत को बहुत गौर से देखा, मुझे लगा है ज्योति कुमावत जैसे एक सामान्य से ग्रामीण ट्रस्ट भूमि के बच्चे को CLC की प्रॉपर गाइडेंस मिली तो ये बच्ची आज दिल्ली की अच्छी कॉलेज पहुंच गई, मोदन आज़ाद लेडी हार्डिंग पे पहुंच गई। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ गार्जियन जो थोड़ा सा शूडो जिंदगी जीते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं, अपने आप को महानगर के व्यक्ति मानते हैं, वो गलत संस्थाओं में कॉलेज के उनके बच्चों के 200-200 नंबर नीट में नहीं आ रहे, जबकि बच्चे डफर नहीं हैं, उनके घर में आलिशान व्यवस्थाएं हैं, उनके घर में बढ़िया खाने की व्यवस्था है, बढ़िया उनके पास स्टडी मटेरियल है, बढ़िया उनके बुक्स हैं, लेकिन उनके पास नहीं है तो उनके पास श्रवण चौधरी या CLC की प्रॉपर गाइडेंस। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कि जो मेरे कुछ साथी मान लो, कुछ हमारे अभिभावक मान लो, कुछ बच्चे मान लो, जो केवल एक शूडो माफी चाहता हूँ, एक दिखावे की जिंदगी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ना, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ एक बार आप साल या दो साल के लिए अपने घर की सुख सुविधा छोड़कर CLC आओ, इस तपोस्थली पे आओ। आप दोस्तों यहाँ से लेडी हार्डिंग जा सकते हैं, एम्स जा सकते हैं, IIT दिल्ली जा सकते हैं, आप कहीं पहुँच सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, इस हवाई पट्टी पे आएँ, इस रनवे पे आप आएँ, आप यहाँ टेकऑफ हो जाएंगे। मैंने एक बात कही, मुझे अक्सर लोग कहते हैं श्रवण भाई दिल्ली और कोटा की कोचिंग और तेरी CLC में क्या फ़र्क है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, दिल्ली और कोटा की कोचिंग है बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर है, बिल्कुल मानता हूँ, अच्छे मैनेजमेंट के लोग हैं, अच्छे स्ट्रेटेजी काम करते हैं, हम केवल कंटेंट्स पे काम करके रिजल्ट बनाते हैं। हो सकता है हम 20 MBA के लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो भैया ज्योति कुमार जैसे बच्चों को पढ़ाना भी है ना, फीस नहीं है साहब, कोचिंग फीस तो बाद की बात है साहब, उनको तो रहना हॉस्टल भी हमें सेव करना पड़ता था, उनके पास जो बच्चे आते साहब उनकी फीस 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपये जो बच्चा फीस दे रहा है उसके पास एक MBA किया हुआ, एक प्लानिंग का, लेकिन भाई एग्जाम में गुलाम के नेम पे प्रश्न आता है जी, चाहे दे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, सुनो, फिजिक्स में तेरे को वेक्टर का सम करना आता है ना, सुन बधा सुन ले, यदि आपको पता है कि एक R1 वेक्टर एक R2 वेक्टर तो दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा का रूट है, ये सिखाया जाता है, और धीरे धीरे लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। आज मेरे पास एक बहुत अच्छा एडमिशन गाजियाबाद से आया, उस लड़की के पिता CA हैं, गाजियाबाद में CA हैं, तो रोड आउट बहुत अच्छी पोस्ट है, आपकी मदर वहाँ स्कूल चलाते हैं, आपके रिलेटिव हमारे डॉक्टर हैं हरियाणा में, खुद का उनका नर्सिंग होम है, वो पूरा विजिट करने आए, बहुत अच्छी फैमिली थी वो, और वो गुड़िया भी नो डाउट बहुत अच्छे लाड प्यार से घर में पली हुई है, वो एक बार विजिट करने का सुनने सर हमें पता है कि घर में सुविधाएं जो हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें हमारी बेटी को उम्मीद है कि हम आज सीकर लेके आए हैं, लेकिन CLC सीकर इसको वापस दिल्ली लेडी हार्डिंग या मोदन आज़ाद भेज देगी, ये मैंने सोच दिया। एक बार आप तपस्या करें, एक बार मेहनत, चाहे IIT और चाहे मेडिकल, दोस्तों IIT और मेडिकल दोनों पे कुल काम कर रही थी, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ 6th class से लेके अप टू IIT पेमेंटी आप तक को जोड़ दिया, मेरा अपना खुद का स्कूल CBC का है, RVC का है, 6th class से लेके 6, 7, 8, 9, 10 RVCBSE, 11th 12th फाउंडेशन करना हो या नॉन फाउंडेशन करना हो तो आप 12th टारगेट कोर्स होते हैं, रिपीटर का अलग बैच है, रनिंग कोर्स बोलते हैं उसको लोग रनिंग कोर्स के नाम पे बैच है, फ्रेशर का अलग बैच है, IIT का अलग बैच है, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, तो सारी चीज़ों की पालना आप लोगों को करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बोलो हाँ है ना कि सुनील सर, बताओ इसके बाद कोई चीज़ इसमें कोई हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं मेरी बात को और कह सकूँ। और कोई प्रश्न दिमाग में है काका जी, कोई प्रश्न आया, कोई बात? तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों,
तो डेली हम लोग बात करेंगे, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऊपर मोटिवेट रहें, और अब लाइव डेली बाजा जी से क्या करेंगे, तो आप यहाँ 6:15 व्यवस्था कर दें, लाइट वाइट प्रॉपर लगा लें, और चाहे अपने कैमरा लेके आ जाएंगे, चल अपने काम झाम यहाँ लेके, कोई दिक्कत अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन अपनी दुकान को कहीं सेट कर सकते हैं। अरे आदमी क्या नहीं कर सकता यार, मैंने तो 2016 पढ़ा छोड़ दिया था भाई, कोरोना के बाद मैं वापस बोर्ड पर खड़ा हुआ हूँ ना, कुलनीति की वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, रिस्पॉन्स आप शानदार दे रहे हो, तो 24,000 व्यू हो गए उस पर मेरे ख्याल से, 24,000 लगभग व्यू हो चुके हैं उस पर। उसके अलावा हमने प्रीवियस पेपर डाले थे नीट के, उन पे तो फर्स्ट पे शायद 55,000 व्यू हो चुके हैं, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। बाद में एक बेटी आई, उसने बड़े प्यार से कहा कि सर आपकी कुलनीति वीडियो देख के मज़ा आ गया, तो ये सब चीज़ें हैं सर। तो कल से अपन लाइव यहीं करेंगे, लाइव व्यवस्था यहीं रखेंगे, ये हमारा तेज है, ये एक बार आप देखें, कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अपने आराम से अपने, देखो स्टूडेंट्स हैं जो ये कुछ डाउट काउंटर के हिसाब से बच्चे आए हुए हैं अपने, ये दिन में डाउट पूछने आ गए थे, अभी कुछ बच्चे डाउट काउंटर कब है क्या है इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं, ये सब कुछ बातें हैं क्यों भाई। तो इसी के साथ लाइव बंद करें आज का, तो इसी के साथ आज का लाइव बंद करते हैं, कल 6:30 मिलते हैं, थैंक यू, जय जय सी एल सी, जय जय सी एल सी।